Sağ olun. ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਰਦੇ ਜੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਬਾਮ ਫਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਮ ਮੂੰਹ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तवा फिश और ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये बड़ी आसानी से बन जाती है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिश को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, तो अब इसमें सबसे पहले नमक, रेड मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, खुश्क धनिया पिसा हुआ, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक का पेस्ट, दही, दो मीडियम साइज के लेमन का रस, और लास्ट में जो एक चीज़ रह गई थी वो थी जवैन, ये भी हम थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वैसा ही टेस्ट आए जैसा आप किसी बाज़ार से या किसी दुकान से खाते हैं, तो उसके लिए आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। अगर फ़ौरन ही आप फ्राई करेंगे तो फिर उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए कुछ दोस्त कहते हैं कि जी बाहर से ज़्यादा टेस्ट आता है और घर में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि आप इसको चार मसाला लगाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद इसको फ्राई करें। तो अभी हम इसको रख देते हैं। फिश को रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, तो अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए तो आप जो मछली है उसको मसाला लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो अभी ये 4 घंटे पहले मैंने इसको रखा था, तो अभी इंशाल्लाह ये बड़ी मज़ेदार बनेगी। अब इसको निकाल लेंगे हम। बिस्मिल्लाह और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अभी साइज चेंज करेंगे इसकी। तो माशाल्लाह से खुशबू जो है वो अभी से आनी शुरू हो चुकी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको और आपके वालदैन को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपके वालदैन की उम्र लंबी करे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।